The joint venture of Badar Expo Solutions and Dairy Agriculture Livestock Farmers Association, that is DELFA, is being held in collaboration with the SIN Board of Investment. And the main objective of DELFA is to enhance the knowledge of farmers and skills by adopting modern techniques for value addition, which in turn would contribute to the national GDP. Ladies and gentlemen, I would like to invite Mr. Ahmed Faisal, Senior Vice President Delpha, for his welcome address. Please give him a huge round of applause. Alhamdulillah, ibn al-Shaytan al-Jiim, Bismillah, ar-Rahman al-Rahim. All distinguished guests, Noor Ahmed Sahab, Nasim Sahab, Vice Chancellor, and Nadim Sahab. I wish all of you a Uh, यहाँ के आप आपकी आमद का बहुत शुक्रिया और यहाँ पे वैल्यूएशन के हवाले से जो काम हो रहा है डेयरी इंडस्ट्री में उस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और नूर अहमद साहब जो है हमारे स्टेट बैंक के डायरेक्टर्स हैं तो इस सिलसिले में वो अपने तसरत भी देंगे थैंक यू सो मच दिस सेमिनार We'll focus on milk value addition, technology advancement in milk processing and packaging, farm management, animal health and nutrition, awareness on government policies, networking opportunities between farmers, veterinary professionals, machine manufacturers, international and local buyers of milk value added products, and all the key stakeholders. I now request Mr. Muhammad Muzammil Khanani, Vice President DELFA, to apprise us of DELFA and today's seminar. I would like to welcome you all, especially our esteemed Chief Guest the State Bank of Pakistan, Mr. Noor Ahmed Sahib, University of Veterinary and Animal Sciences, Professor Dr. Naseem Ahmed Saab, Sitara Imtiaz, और बाकी तमाम गेस्ट आप लोगों को खुश आमदीद जैसा कि अक्सर ने बताया कि डेल्फा का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि फार्मर्स को एजुकेट करें नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और न, तमाम एडवांसमेंट की जितनी भी हमारी आ, इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं बिलखसूस मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा युवास का जिन्होंने अपना मिल्क वैल्यू एडिशन के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया हुआ है पंजाब में उसी सिलसिले की एक कड़ी यहाँ पर हमने उनको इनवाइट करा है कि यहाँ पर ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के थ्रू वो फार्मर्स को एजुकेट करें ताकि हम जिस बदहाली का शिकार हैं मिल्क हील्ड से लेकर न्यूट्रिशनल वैल्यू फीड कॉस्ट इन सैलाबी सूरत हाल जो हमारे मुल्क में है इस वक्त उसकी वजह से फार्मर हमारा बहुत सारी मुश्किल का शिकार है तो हमें जदीद तरीके से कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स के थ्रू अपने आप को इन मसलों से निकालना होगा और फार्मर्स के साथ साथ कंज्यूमर्स के लिए भी सोचना होगा कि उनको एक प्रोडक्ट डोर स्टेप पे मुहैया हो इसी सिलसिले में हमने नेशनल इनक्यूबेशन सेंटर को भी मदबू किया है यहाँ पर कि वो हमारे एग्री टेक प्रोजेक्ट को आगे लेकर चलें और फार्मर्स के लिए सहूलतें मुहैया करें बहुत शुक्रिया थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट दर्स्ट से Financing an investment opportunity for farmers, and in this session we have State Bank of Pakistan and UBL Amin on board to encourage awareness and provide networking opportunities among bank and farmers for the progression of farming. And this is for our beloved country. Their agriculture programs would help to improve the productivity, while at the same time it would create ties of the sector.

मेरी ये प्रेजेंटेशन थोड़ी सी मुख्तसर सी होगी और इसमें उन स्कीम्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो रिसेंटली स्टेट बैंक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और ख़ुद भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसका मकसद यही है कि फार्मर्स इन स्कीम्स के ज़रिए बेहतर तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को चला सकें अपने कारोबार को बेहतर कर सकें और इसमें जितनी बेहतरी ला सकते हैं वो लेकर आएँ तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़रात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो क्रेडिट की बड़ी अहमियत है और एग्रीकल्चर क्रेडिट पाकिस्तान में इस वक्त बेहतर तरीके से ग्रो भी कर रहा है इस वक्त अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट की तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट को मैं आसान लफ्ज़ों में बयान करूं कि एक क्रॉप सेक्टर होता है जिसमें फसलों के लिए आप कर्जा दिए जाते हैं और दूसरा नॉन क्रॉप सेक्टर है नॉन क्रॉप सेक्टर में वो सेक्टर है जिसमें लाइव स्टॉक भी शामिल है फिशरीज भी शामिल है डेरी भी शामिल है पोल्ट्री भी शामिल है इसको इस तरह दो सेक्टर्स में हम डिवाइड करते हैं और अभी तक अगर हम बात करें इस साल में हम कोई हमने कोई 1.8 ट्रिलियन का टारगेट रखा हुआ है जिसमें तकरीबन आधा इस सेक्टर के लिए है लाइव स्टॉक और नॉन क्रॉप सेक्टर के लिए और आधा जो है वो क्रॉप सेक्टर के लिए है तो अभी फ्लड के हवाले से रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत नुकसान हुए हैं बारिशों में फ़्लड्स में सिंध में हमारी काफ़ी सारी फसलें लाइव स्टॉक तबाह हुए बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसी तरह बाकी सूबों में भी के पी के में ए जे के में और दूसरे एरियाज़ में भी काफ़ी नुकसान हुआ उसके लिए स्टेट बैंक कोशिश करता रहा और गवर्नमेंट के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पे हमने काम किए और बिल रिसेंटली आपने सुना होगा कि कुछ स्कीमों का इजरा हुआ है कुछ स्कीमों का आगाज हुआ है और उसमें ज्यादातर फोकस किया गया है छोटे फार्मर्स को ताकि छोटे फार्मर्स को बेहतरीन तरीके से आ, उनकी मदद की जाए और उनके कारोबार में जो रुकावटें आई हैं, जो नुकसान हुए हैं उसकी तलाफी की जाए तो इसमें अगर हम देखेंगे आ, जो पहली स्कीम है वो मार्कअप वेवर की स्कीम है जिसमें आप देखेंगे कि छोटे जो काश्तकार हैं छोटे जो फार्मर्स हैं उनके लोन के ऊपर जो मार्कअप था वो गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है उसमें आप ये देखेंगे कि पांच लाख का जो फार्मर है उस पे जितना भी मार्कअप बना हुआ है जितना भी मार्कअप था उसको गवर्नमेंट ने और बैंक ने मिलकर उसको माफ किया है और 30 सितंबर तक जो भी उसका मार्कअप था वो वेव कर दिया गया है तो ये एक सबसे बड़ी एक आ, स्कीम थी जिसमें काश्कार जो इस सैलाब की वजह से बारिशों की वजह से नुकसान में आए हैं उनका ये कर्ज गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है और उसके लिए बैंकों ने अपने एस्टीमेट्स वगैरह दे दिए हैं हम दूसरी स्कीम की तरफ जाते हैं कि जब कर्ज माफ हो गया तो उसके साथ साथ हमने बैंकों को ये भी हिदायत की कि उस कर्ज को आगे बढ़ा दें उसकी रीपेमेंट जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आगे बढ़ा दें एक साल तक के लिए ताकि उसको फ़ौरी तौर पे कोई बर्डन ना आए कोई उस पर अदायगी की जिम्मेदारी पैदा ना हो ताकि वो अपनी नई फसल के लिए भी तैयारी कर सके जो दूसरी स्कीम है हमारी वो इंटरेस्ट फ्री मार्कअप फ्री फाइनेंसिंग स्कीम है जिसके तहत फार्मर्स को ये सहूलत दी गई है कि वो पाँच लाख तक का जो भी लोन है पाँच लाख तक का जो भी लोन है उस पर बगैर मार्कअप के बगैर सूद के वो फाइनेंसिंग बैंकों से ले सकता है और ये जो अगली क्रॉप है उसकी 6 महीने की जो क्रॉप है और लाइफ स्टॉक है या पोल्ट्री है उसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपने नई जो कारोबार में जो उसकी रुकावट आई थी उसको दूर कर सकता है तो ये दूसरा स्कीम का हिस्सा था जिसमें फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग और वो फार्मर्स ले सकते हैं और ये सारे फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें ये ये स्कीम लागू है और वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाएगी तीसरी स्कीम वो उन काश्तकारों के लिए है जो जिनके पास जमीन नहीं है जिसको हम कहते हैं लैंडलेस फार्मर जिसके पास कोई आ, आ, हम कहते हैं कि कोई कोलेट्रल नहीं है कोई जमीन बैंक के पास गिरवी रखवाने के लिए नहीं है उन काश्तकारों के लिए भी एक छोटी स्कीम शुरू की गई है जिसमें दो लाख तक का जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री फार्मर को दिया जाएगा उसमें लाइव स्टॉक के फार्मर्स भी शामिल हैं उसमें क्रॉप के फार्मर्स भी शामिल हैं उनको ये स्कीम दी जाएगी ताकि वो अगर सैलाब में उनको कोई नुकसान हुआ है कोई उनको आ, उनकी जो इकनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई है तो उससे वो निकल सकें और अपने कारोबार को दोबारा शुरू करें तो ये तीन तो स्कीम वो थी जो सैलाब के हवाले से जिनको नुकसान हुआ है उनके लिए ये स्कीम शुरू की गई थी जो एक और स्कीम इसके बाद जो पूरे पाकिस्तान के लिए शुरू की गई है वो फार्म मेकनाइजेशन के हवाले से है फार्म मेकनाइजेशन की ज़रात में बहुत अहमियत है और हमारी जो ज़रात की प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मेकेजेशन का बहुत अहम रोल है तो इसके लिए भी एक रियायती स्कीम शुरू की गई है जिसके तहत सिर्फ सात फ़ीसद पर ये कर्जे दिए जा सकते हैं और सात फ़ीसद पे फॉर्म मशीनरी में ट्रैक्टर भी शामिल है थ्रेशर भी शामिल हैं हार्वेस्टर शामिल हैं प्लांटर शामिल हैं सोलर ट्यूबवेल शामिल हैं ये ये मशीनरी सात फ़ीसद पे आप बैंकों से हासिल कर सकते हैं और तमाम बैंक इसके हिस्सा हैं तो इस स्कीम का भी फार्मर बेनिफिट उठा सकते हैं जो काश्तकारी कर रहे हैं जो आ, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं वो इस रियायती स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं इसके अलावा कुछ और भी स्कीम्स हैं जिसमें स्टेट बैंक बैंकों के साथ मिलकर उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है जिसमें एक स्कीम इंश्योरेंस के हवाले से भी है जिसमें जो भी हमारे लाइफ स्टॉक के फार्मर्स हैं वो छोटे जो फार्मर्स हैं जिनका लोन साइज दस जानवरों तक की खरीदारी तक का है वो इन जानवरों के लिए फ्री में इंश्योरेंस करवा सकते हैं और जो भी लोन दिया जाएगा इनको तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर उनका इसका बीमा करवाएगी और उसका जो भी बीमे की जो रकम है जो इंश्योरेंस के प्री प्रीमियम की रकम है वो गवर्नमेंट अदा करेगी तो 10 जानवर तक का जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट बेर कर रही है तो ये स्कीम भी लाइफ स्टॉक के फार्मर्स के लिए बहुत अहम और अच्छी स्कीम है ताकि छोटे फार्मर्स के अगर लाइव स्टॉक में कोई बीमारी आ जाती है कोई नुकसान हो जाता है तो उसका ये फायदा उठाया जा सकता है इसी तरह क्रॉप के लिए भी इंश्योरेंस की स्कीम मौजूद है जो छोटे फार्मर्स हैं 25 एकड़ तक के फार्मर्स हैं उनके लिए भी एक स्कीम है कि वो पांच जो क्रॉप है हमारी जिसमें कॉटन है राइस है शुगर है शुगर केन है मेज है और व्हीट है इन क्रॉप के लिए अगर वो लोन लेता है तो इसका भी बीमा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के तरफ से कराया जा रहा है और गवर्नमेंट इसके खर्चों को खर्चे को बर्दाश्त कर रही है और इन केस अगर कोई क्लेमिटी आ जाती है जिस तरह अभी कलेमिटीज आई फसलों को नुकसान पहुंचा बारिशों की वजह से सैलाब की वजह से तो उसमें जो नुकसान हुआ उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो ये क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम है इसके तहत इसका जो लोन है वो इंश्योरेंस से सेटल किया जाएगा इसके अलावा कुछ और स्कीम भी हैं जिस तरह स्टोरेज uh, के लिए एक बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि फार्मर जब अपनी प्रोड्यूस तैयार कर लेता है तो उसको रखने के लिए एक स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है तो स्टेट बैंक की एक स्कीम है जिसमें सिर्फ छः फीसद के मार्कअप के ऊपर छः फीसद के मार्कअप के ऊपर आप स्टोरेज की फैसिलिटीज बना सकते हैं उसमें वेयर हाउस भी बना सकते हैं आप उसमें आप साइलोज भी बना सकते हैं उसमें कोल्ड स्टोरेज भी बना सकते हैं तो इन इस स्कीम के तहत कोई भी फार्मर कोई भी प्रोसेसर एक स्टोरेज की फैसिलिटी बना सकता है और 10 साल तक के लिए ये लोन हासिल कर सकता है तो जैसा कि आजकल मार्केट रेट बहुत ज़्यादा है बीस परसेंट तक भी है बैंकों में लेकिन इस स्कीम के तहत सिर्फ छः फीसद पर आप ये स्कीम हासिल कर सकते हैं और अपनी स्टोरेज फैसिलिटी बना सकते हैं इसके अलावा खवतन के लिए भी स्टेट बैंक ने एक बहुत बेहतरीन स्कीम का आगाज किया हुआ है कि खातन अपने जिन भी कारोबार जो भी माशी कारोबार हैं उनसे मुंसलिक हैं उसमें लाइफ स्टॉक भी शामिल है उसमें पोल्ट्री भी शामिल है एग्रीकल्चर भी शामिल है इन स्कीमों के जरिए इन कारोबार के लिए बेनिफिट लिया जा सकता है और ख़वान के लिए सिर्फ पाँच फीसद पर ये लोन हासिल किया जा सकता है कि जो भी कारोबार है ख़वान जो काम कर रही हैं उसमें पाँच फीसद पर ये कर्ज हासिल करके वो अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं और इसमें पचास लाख तक का लोन जो है वो ख़वा हासिल कर सकती हैं तो ये वो स्कीम है जिनका मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कराया ताकि जो भी फार्मर हज़रा हैं जो भी इस पेशे से मुंसलिक हैं वो इन स्कीमों का फ़ायदा भी उठाएं और अपने जो और साथी हैं उन तक भी इस चीज़ को पहुँचाएँ ताकि इन स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा फार्मर हज़रा हासिल कर सकें इसके अलावा अगर आपको मज़ीद कोई मालूम चाहिए होंगी तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी इनके पास मौजूद है डिटेल्स भी मौजूद हैं। वो फार्मर हजरा हमसे रहा कर सकते हैं हम उनको डिटेल में बता सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर फॉर your नॉलेज रिगार्डिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज

इम्पोर्टेंट uh, सेक्टर को इम्पोटेंस दी और एक इतना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज uh, किया साथ साथ मैं अपने जो uh, साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी uh, खुश कहता हूँ स्टेट बैंक के हमारे साथी हैं डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई uh, तो अपनी प्रेजेंटेशन आज मैं यहाँ इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट uh, कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले ऑन अ लाइटर नोट हम बचपन से सुनते आए थे कि सोबत का बड़ा असर पड़ता है तो आज uh, उसकी प्रैक्टिकल मिसाल ये है कि मैं सिर्फ पाँच मिनट डॉक्टर साहब के साथ बैठा हूँ और मेरे नाम के साथ डेल्फन ने एक एजाजी डिग्री डॉक्टर की लगा दी हालांकि मैं वैसे डॉक्टर हूँ नहीं बाय प्रोफेशन तो ये आपकी बरकत है डॉक्टर साहब कि हम डॉक्टर के नाम से मुझे इनवाइट किया गया तो इस्लामिक बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल जिस तरह से हम कहते हैं कि इस्लाम आ, मुकम्मल जबतः हयात है, है तो उस में ज़िंदगी के तमाम मामलों के बारे में सहूलियात और उसको किस तरह से ज़िंदगी को गुजारना एक एक चीज़ के बारे में प्रॉपर गाइडेंस मौजूद है तो ये किस तरह हो सकता था कि जो हम इंसान के माशी मामलात हैं उसके बारे में हमारा दीन या जो मज़हब है वो कोई गाइडेंस ना देता हो ये इस्लामिक बैंकिंग आज से नहीं है तो काफ़ी पुराना सिलसिला शुरू हुआ लेकिन इसको वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में जो बूम मिला है वो पिछले कोई पंद्रह से बीस सालों में इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ आई है जो कि मैं अभी आपको अपनी प्रेजेंट में नंबर्स में भी बताऊँगा बेसिक एसेंस क्या है इस्लामिक बैंकिंग का इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में जो डिफरेंस है वो क्या है कि इस्लामिक बैंक जो हैं वो मनी लेंडर्स नहीं होते एक पैसा आपको लोन पे नहीं कैश की सूरत में नहीं देते इनकी जितनी भी फाइनेंसिंग होती है वो सारी की सारी एसेट बेस होती है और उसमें कोई ना कोई पीछे कमोडिटी या कोई एसेट उसके पीछे होता है जो पाकिस्तान इसका बिजनेस का जो मॉडल है उसमें इनके दो तरह के की इन्वेस्टमेंट्स हैं एक तो हम ट्रेड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस में भी इस्लामिक बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं जितने भी फाइनेंसिंग है इस्लामिक बैंकिंग की वो प्रॉफिट एंड शेयर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस बेसिस पे होती है और उसमें सारा एग्जीक्यूशन जो है वो सिस्टम की वो आ, नंबर्स के साथ और आपकी आ, प्रैक्टिकल एसेट्स के साथ होती है ये एक छोटा सा नंबर्स में सेवेंटी टू कंट्रीज़ इस वक्त वर्ल्ड वाइड हैं जहाँ इस्लामिक बैंकिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं इसमें फाइव ट्वेंटी सिक्स इस्लामिक बैंक हैं और जिनका ऑन एवरेज ग्रोथ वर्ल्ड वाइड को फिफ्टीन से ट्वेंटी फाइव परसेंट है अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सेवनटीन कन्वेंशनल बैंकों में इस्लामिक बैंकिंग की विंडोज है और पाँच फुल फ्लैश इस्लामिक बैंक हैं जो कि इन कल से छः हो जाएंगे क्योंकि फैसल बैंक एक है जिन्होंने पूरा अपना बैंक कन्वर्ट किया है अगर आप रैंकिंग वाइज देखते हैं तो ग्लोबल इस्लामिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में पाकिस्तान का जो नंबर है वो एट पे आता है स्टेट बैंक के हमारे साथी बैठे हुए हैं तो इस्टेट बैंक को बेस्ट बैंक बेस्ट सेंट्रल बैंक ऑन प्रोमोटिंग इस्लामिक फाइनेंस का अवार्ड भी वर्ल्ड वाइड मिल चुका है नेक्स्ट uh, स्लाइड पे भी uh, अगर आप जाते हैं तो ये मैं उसी का कास है कि जी आप uh, कि हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री किस तरह से वर्ल्ड वाइड और क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान की बात अगर आप करते हैं तो इस्लामिक बैंक में स्टेट बैंक की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर तीन तरह के मॉडल्स काम कर रहे हैं एक तो फुल फ्लैश इस्लामिक बैंक से जो के पाँच हैं और जो के कल से छः हो जाएंगे उसके बाद सत्रह ऐसे कमर्शियल बैंक्स हैं जिनकी इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ हैं मैं यूबीएल का रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो वो भी उन्हीं आई में से एक आई है और कुछ कन, कन्वेंशनल कमर्शियल बैंक की सब्सिडरीज हैं जो यहाँ पाकिस्तान में काम कर रही हैं तो इन तीन मॉडल्स में स्टे, स्टेट बैंक ने ये मामला किए हुए हैं जो मैं आपसे कह रहा था कि हम बैंकिंग इंडस्ट्री में शिफ्ट आ रहा है कन्वेस्टल uh, 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 से इस्लामिक की तरफ कन्वर्जन का उसको अगर आप देखेंगे तो इस वक्त इस वक्त पाकिस्तान में कुछ चार हज़ार एक सौ इक्यानवे फोर वन नाइन वन ब्रांचेज हैं uh, जहाँ पे इस्लामिक uh, बैंकिंग की डेडिकेटेड ब्रांचेज है जहाँ से इस्लामिक बैंकिंग की प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं इसी तरह uh, कोई वन फोर सिक्स सेवन चौदह सौ सड़सठ इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग की uh, सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं अगर uh, ये ग्राफ है अगर दिखा सकें तो हमारे पास अब uh, पिछले पाँच साल का अगर आप ट्रेंड देखते हैं तो जो ब्रांचेस खुल रही हैं नई पाकिस्तान में तो उसमें जो आप एक ग्राफ में देख रहे हैं कि वाजे चेंज नज़र आ रहा है इस्लामिक बैंकिंग की ब्रांचेस बढ़ रही हैं और कन्वेंशनल बैंकिंग कम हो रही है और अब जो रिसेंट पॉलिसीज़ हैं स्टेट बैंक की वो भी सपोर्ट करती हैं इसी सारी सारी सब इस्लामिक बैंकिंग को उस तरह से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी आ सके नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाते हैं तो अगर आप प्रोडक्ट्स uh, देखें तो ऑलमोस्ट तकरीबन वो सारी प्रोडक्ट्स जो कि कन्वेंशनल बैंक प्रोवाइड करते थे अब तमाम इस्लामिक बैंक्स भी ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं अब वो वाली बात नहीं कि इस्लामिक बैंकिंग के पास सॉल्यूशन मौजूद नहीं है लेकिन अब जो जिस सेक्टर के लिए ये आ, सारा सेशन हो रहा है उसमें भी इस्लामिक बैंक्स में तमाम प्रोडक्ट्स मौजूद हैं हमारे पास दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं इसमें एग्रीकल्चर साइट पर भी और लाइफ स्टॉक में भी कुछ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स हैं जो कि मशीनरी के लिए और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनके लिए होती है जिसमें हम इजारा का मॉडल और डिमिनिशिंग का की टर्म को इस्तेमाल करते हैं इसी तरह जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर में भी और आपके डेरी फार्मिंग में भी उसमें हमारे पास सलम की इसना की प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इस एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए तो अब इस उस उस तरह से फोकस नहीं रहा बैंक का अनफॉर्चुनेटली इस इस इंपॉर्टेंट सेक्टर पे लेकिन ये जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं और आज का जिस तरह सेमिनार हो रहा है और जिस तरह स्टेट बैंक से हमारे डायरेक्टर साहब ने और मैं आपको मजीद भी बताएंगे अभी नूर साहब भी और ख़ानदा साहब ने जिस तरह बताया कि बहुत सारी स्कीम्स स्टेट बैंक ने प्रोवाइड करें जो कि इन फार्मर्स के लिए है जो बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पर भी है और मेरा ख्याल है उसमें लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए जहाँ तक यू अमीन की अगर आप बात करें तो यू बी एल अमीन एक यू बी एल का सब्सिडी का, का ग्रुप है इस्लामिक बैंकिंग का जिसकी कोई डेढ़ सौ डेडिकेटेड ब्रांचेज हैं और कोई टू हंड्रेड एंड एटीन इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ हैं जहाँ से हम ये सारी सहूलियात आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस उसके साथ के जी आ, आ, ये जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और आजकल जो जो इकनॉमी के हालात हैं उसमें एक मेजर रोल प्ले कर सकती है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लाइफ स्टॉक और डेयरी का जो सिलसिला है उसको अगर इसी तरह गवर्नमेंट और स्टेट बैंक की तरफ से सपोर्ट मिलती रहेगी और चीज़ें बेहतर रहेंगी तो इन आने वाले वक्तों में ये सेक्टर ग्रो भी करेगा और इसमें हम ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट भी करेगा इनशाला बहुत शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन दिस ओकेजन वी हैव ए वीडियो मैसेज फ्रॉम मिस्टर सैयद समद हसनैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रुप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेट्स हैव अ लुक सबसे पहले मैं डेल्फा और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने यहाँ कराची में ये मेला मवेशिया मुनद किया जो कि आज और कल दोनों दिन जारी रहेगा इससे पहले भी आपने जो यहाँ मेले मवेशियाँ अरेंज किए थे उसका आउटकम बहुत अच्छा रहा था गुजर साल भी हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत की थी जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेला मवेशियाँ जिससे मुनदिद किया जा रहा है इसका ताल्लुक बर रास्त डेयरी और लाइफ स्टॉक से है और डेयरी और लाइफ स्टॉक पाकिस्तान की जरात का एक एहन, इंतहाई अहम हिस्सा है और जरात के मतलब कोई दो राय नहीं हो सकती कि जरात की पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है ज़रात पाकिस्तान के अंदर किस हद तक एम्प्लॉमेंट मुहैया करता है कितना जी डी पी में कंट्रीब्यूट करता है कितना एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है मैं उन नंबर में नहीं जाऊँगा आप सब वह लोग ये नंबर आज मुख्तलिशं में और कल मुख्तलि में देख रहे होंगे लेकिन पाकिस्तान की जरात के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक प्राइवेटी सेक्टर के तौर पर लिया है हम जब प्राइवेटी सेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें एस शामिल हैं लो कॉस्ट हाउसिंग शामिल है माइक्रो फाइनेंस शामिल है फाइनेंशियल इंक्लूजन भी उसके अंदर शामिल है और साथ साथ जरात भी शामिल है इस सिलसिले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हर साल एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी ए के तहत एग्रीकल्चर क्रेडिट के डिसबर्समेंट के टारगेट देता है कि बैंकों ने कितने कर्जे देने हैं इस साल के दौरान और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इस साल कर्जों का जो टारगेट यानी जो साल जारी है और जून पर खत्म होगा जो बैंकों को कर्जों का टारगेट दिया गया है वो अट्ठारह अरब रुपए है जो कि गुजशतर साल चौदह अरब रुपए था तो एक बहुत बड़ा इंक्रीज इसके अंदर किया गया है और मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि अगर आप गुज्ता साल देखें या उससे पहले का भी ट्रेंड देखें तो डेयरी और लाइफ स्टॉक को कुल दिए जाने वाले कर्जों का 50 फीसद के करीब इन सेक्टर्स के अंदर जा रहा था जिससे जाहिर होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए किस कदर अहम है अच्छा अब मैं इस तरफ भी आना चाहूंगा कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की एक अहमियत क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी है पाकिस्तान दुनिया के उन में शामिल है जहां क्लाइमेट की तब्दीली की वजह से जो नुकसान होते हैं उसमें ज़रात का शोबा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है और, और ये कोई एक फर्जी बात नहीं है इस साल आपने देखा कि पाकिस्तान में जो बारिशें हुई हैं और जो सैलाब आए हैं उससे जो तबाही हुई है आ, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अगर आप देखें में देखें और उसके बाद सिंध में देखें और या दूसरे सूबों में भी देखें तो वहाँ इससे मुतासरा कारोबारों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर जो हिस्सा हुआ है जो सेक्टर हुआ है वो एग्रीकल्चर है और इसी हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने आपने सुना होगा अखबारों में पढ़ा होगा गुजश्ता गुजश्त कुछ अरसे में एक किसान पैकेज का ऐलान किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी गुजशत हफ्ते उसी किसान पैकेज का के सिलसिले के अंदर जो कुछ स्कीमें हैं जिनका ताल्लुक बरह रास्त बैंकों से है और यहाँ बैंकों के लोग मौजूद हैं यहाँ और स्टेक होल्डर भी मौजूद हैं तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ इन स्कीमों के जरिए किसानों को फायदा होगा और डेयरी और लाइफ स्टॉक उसका एक कंपोनेंट है, उसका एक लाजमी जो शामिल है इसके अंदर कुछ स्कीम ऐसी जिनका ताल्लुक उन लोगों से है जिनका डेरी या लाइफ स्टॉक या उनके उनके खेत तबाह हुए हैं इन सैलाबों की वजह से तो उनका जो 30 जून से लेकर और सितंबर तक जो उनका मार्कअप था वो वेव कर दिया गया है और जो मार्कअप खत्म कर दिया गया है इनके कर्जों पर से वो आधा आधा बैंक उसका हिस्सा लेंगे

जो फार्मर्स हैं या जो लाइफ स्टॉक कर रहे हैं या डेरी का काम कर रहे हैं उनको कर्जे जीरो परसेंट मार्कअप दिए जाएंगे यानी इस पर कोई मार्कअप चार्ज नहीं किया जाएगा लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि ये क्योंकि बुनियादी तौर पर छोटे फार्मर्स पे फोकस किया गया है तो अगर आपके लोन का साइज पांच लाख रुपए तक का है तो आप इंटरेस्ट फ्री लोन अवेल कर सकते हैं इसी तरह एक किसानों के हवाले से एक और स्कीम जो हुकूमत पाकिस्तान ने किसान पैकेज के तहत ऐलान किया है वो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास जो अपनी जमीन के मालिक नहीं है तो उनके लिए भी एक स्कीम का ऐलान किया गया है जहां जीरो परसेंट पर जो है कर्जे दिए जाएंगे इसके अलावा फ्लड ने तो अगरचे बहुत से इलाकों को मुतासर किया है फ्लड के अलावा भी पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी तक जरात के सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करते हैं फार्म मैकेनाइजेशन की यानी वो तरकीब जिसके जरिए आप मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपने अपने फॉर्म्स की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं और जो कि दुनिया में हो रहा है वहाँ उस हवाले से अभी तक कोई खास सब्सिडाई स्कीम मौजूद नहीं थी तो मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि पाकिस्तान के किसान पैकेज के तहत एक स्कीम है जिसके अंदर फॉर्म मेकनाइजेशन की स्कीम कराती है जिसका मकसद एंड यूजर को मार्केट से नस्बता कम मार्कअप रेट के ऊपर और ये फिक्स मार्कअप रेट है सात परसेंट पर कर्जे दिए जाएंगे ताकि वो अपने फॉर्म्स को मैकेनाइज कर सके अपने फॉर्म्स को ऑटोमेट कर सके और मुझे ये मैसेज देते हुए खुशी महसूस हो रही है कि यहाँ जो लोग मौजूद हैं जो डेयरी और लाइफ स्टॉक में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं और इसके अलावा जो बैंक है

एक आप सब लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान जो एक एक चैलेंज का कर सामना करता है खास तौर तो पे आ, किसान जिसके चैलेंज का सामना कर रहे होते हैं कि जब क्रॉप आती है और प्रोड्यूस होती है तो उस वक्त क्रॉप के प्रोड्यूस होने के बाद ज्यादा मिकदार में वो चीज होने की वजह से उसकी मार्केट की उसकी प्राइस कम हो जाती है और चूंकि उसकी स्टोरेज की कोई अभी कैपेसिटी अच्छी मौजूद नहीं है अच्छे जदीद किस्म के वेयर वेयरहाउसेज मौजूद नहीं है तो उस वजह से फिर या तो किसानों को औने पौने दामों से देना पड़ता है आरतीयों को या किसी को या फिर वो वेस्टेज हो जाती है और पाकिस्तान में ये वेस्टेज बहुत ज्यादा है अगर हम परसेंटेज की तादाद में देखें फल वगैरह भी इससे मुतासर हो रहे होते हैं तो उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम है स्टोरेज फैसिलिटी फॉर फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसके तहत एंड यूजर रेट जो है वो सिक्स परसेंट है बैंकों को भी अच्छा खासा मार्जिन दिया गया है और इसके तहत आप लोग जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर है जो करने वाला है, जो किसान हैं 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 अपनी जमीनों के करीब बनाना हैं, वो बनाना चाहते चाहते वो वेयर तो वो वेयर हाउस के लिए कर्जा हासिल कर सकते हैं इस सस्ते दामों पर इसके अलावा स्टेट बैंक ने कुछ और स्कीमें भी जारी की हुई हैं जिनके तहत खास तौर पर जिनका फोकस खातन है ताकि वहां अगर कारोबार करने वाले और मुझे ये बताती खुशी महसूस हो रही है कि हमने जब डेटा का जायजा लिया तो जो इससे पहले स्कीमें इस जारी की गई थी आ, उन स्कीमों के अंदर खातन का एक बड़ा किरदार रहा है खासतौर तो पर हम बात करते हैं डेयरी और लाइफ स्टॉक के अंदर तो इस जो स्कीम का मैं तस्कर कर रहा हूं स्कीम के तहत पांच फीसद एंड यूजर रेट पर खीन कर्जा हासिल कर सकती है लाइफ स्टॉक के लिए या डेयरी वगैरह के लिए आ, इसके अलावा आपने अभी अखबारों में यह भी सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का भी आगाज कर दिया गया है और इस स्कीम के तहत भी जो है वो कर्जे मुहैया किए जा सकते हैं पहले इसके अंदर एग्रीकल्चर का सेक्टर शामिल नहीं था अब एग्रीकल्चर भी इसमें आ गया है तो मेरे वो तमाम सामीन जो कि इस वक्त सुन रहे हैं उन सब के लिए मेरी दरखास्त होगी कि आप इन स्कीमों का जरूर जायजा लें हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के बैंक के काउंटर मौजूद हैं वहाँ भी इन स्कीमों का ब्रोशर मौजूद होगा स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी जाकर आप इसे देख सकते हैं मेरी आप सबसे दरखास्त होगी आप पे इन तमाम स्कीमों के मुतालिक भी और, और भी जो एग्रीकल्चर खासतौर तो पर डेयरी और लाइफ स्टॉक के हारे से जो मसाइल पेश आ रहे हैं जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उनको आप इसमें बहस करें उस पर तो, उस पर और और फिक्र करें इस मेले मवेशिया का एक बहुत बुनियादी मकसद ये भी है कि वो मसाइल जिनके लिए मुख्तलिफारे अलग अलग जगहों पर बैठे होते हैं और जहाँ एक डेयरी या लाइफ स्टॉक वाले का पहुँचना मुश्किल होता है वो सब के सब एक जगह पर आ जाए ताकि उनको सोल्यूशन मुहैया कर सके मैं अपनी इस बात का इसके साथ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिंदा पाइंदा रखे और एग्रीकल्चर ज्यादा से तरक्की करे बहुत बहुत शुक्रिया I now request our honorary chief guest, Mr. Noor Ahmad, Director of Agriculture, Credit and Financial Inclusion Department, State Bank of Pakistan, to address our valuable audience. Please give him a huge round of applause. Shukri da Karna Chaunga, Delphi Dairy and Agriculture Livestock Association and Badar Expo, that Uh, मेला ऑर्गेनाइज कराया और स्टेट बैंक को भरपूर आ, तरीके से इसमें पार्टिसिपेशन का मौका दिया आपने देखा होगा कि मेरे साथ कॉलीग्स भी आए हुए हैं और हमारे एग्जेक्यूटिव डायरेक्टर उन्होंने मैसेज दिया ना हो अभी मैं आपको वही बातें कोशिश करूंगा कि ना रिपीट करूं बट पहले मोहतरम अहमद फैसल साहब वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डेल्फा डॉक्टर नसीम अहमद वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड लाइफ स्टॉक साइंसिस पंजाब मिस्टर नदीम फरहान साहब यू बी एल अमीन वेरी गुड टू सी कि आप इस्लामिक से आए हुए हैं और इस्लामिक प्रोडक्ट्स जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं और हम भी यही कर रहे हैं इट्स वेरी हार्टनिंग और नदीम खानजाना साहब जो मेरे कॉलीग हैं Uh, उसके अलावा खुतिनों हजरा मेहमान ग्रामी आप सब को मैं खुश आमदीद कहता हूं यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक एज वेल एज डेल्फा एंड बदर एक्सपो मेरे ख्याल में आज के इवेंट की चार वजूहत जो है ना बड़ी अहम है कि और द रीजन हम भी इसमें इतने फोर्स से आ रहे हैं स्टेट बैंक इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि क्यों हमें इधर होना चाहिए और उसकी मैं आप सबके सामने पेश करता हूँ वो चार रीजनस सबसे जो बड़ी अहम वजह है वो ये है कि एग्रीकल्चर की अहमियत इकॉनमी के हवाले से और फूड सिक्योरिटी के हवाले से और पावर्टी रिडक्शन और ओवरऑल खुशहाली के हवाले से बहुत ज़्यादा है और ऐसे मेले या इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराने की वजह से एक लोगों के जहन में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आती है कि आ, अगर हमने अपनी कौमी नमू को बेहतर करना है और ख़ुशहाली को बेहतर करना है और आ, लोगों की जो है ना फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है तो ज़रात की क्या अहमियत है और उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं दूसरी जो बड़ी अहम वजह है कि हमें तो सिर्फ प्लेट पे नज़र आता है खाना स्पेशली कराची वालों के लिए कह हूं जब फार्म से फोर्क पे आता है उसमें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं तो आपने देखा होगा अगर कुछ मैंने अभी एक राउंड लिया कि कितने एक्टर्स हैं इसमें बेशुमार सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं फार्मर्स हैं और वैल्यू एडेड और मार्केटिंग फर्म्स हैं जो ये सारा काम करके हमें लेके आते हैं और कराची जो एक बहुत बड़ा शहर है देर आर वेरी एस्टिमेट्स दो करोड़ से तीन करोड़ तक इनफॉर्मल एस्टिमेट्स बता रहे होते हैं फॉर्मल एस्टिमेट्स दो करोड़ के करीब आबादी है एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको पता ही नहीं है और मैं समझता हूं कि जो तीसरी वजह इस इवेंट की बड़ी अहम बन जाती है वो ये है कि लोगों को पता तो चले स्पेशली कराची क्योंकि एक आ, क्या कह सकते हैं कि एक, एक सारफ है इसका उसको पता चल जाए और मैंने देखा है कि लोग पहले से ही आ रहे हैं वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ठीक है ना इस एरिया में हमारे लिए क्या अहमियत है स्टेट बैंक के हवाले से और आप देख रहे होंगे कि ये कोट और सूट पहन के आके जो है ना हमें क्या बता रहे हैं हम तो फार्मर हैं देखिए लोग शायद स्टेट बैंक को ये समझते हैं कि करेंसी नोट छापता है बैंकों का रेगुलेटर है मॉनेटरी पॉलिसी शायद जो ज़्यादा अवेयर होंगे उसके थ्रू इकोनमी को कंट्रोल करता है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा अहम रोल है इकॉनमी में और उस पर मैं आज कुछ वजाहत करना चाहूँगा आप सबके सामने कि जो फेस है उसका फेस मैं हूँ जो आपने वीडियो रिकॉर्डिंग सुनी वो भी हमारे ग्रुप हेड हैं वो देखते हैं जिसको फाइनेंशियल इंक्लूजन ग्रुप कहते हैं बट विद इन दैट मैं एग्रीकल्चर क्रेडिट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखता हूँ और नदीम साहब उस टीम का हिस्सा है जो एग्रीकल्चर क्रेडिट पॉलिसी को देखते हैं और हमारा बड़ा जोर है एग्रीकल्चर को प्रोमोट करने का और कैसे हम करते हैं और आज के मौके की मुताबकत से मैं कहूँगा कि एग्रीकल्चर को अगर हम और ये मेरी आ, बेसिकली जो बात है वो तीन नुक्तों में है तो पहला नुक्ता इस पे है कि मैं आपके सामने ये वजाहत कर दूं कि एग्रीकल्चर की क्या अहमियत है दूसरा जिस पे मैं बात करना चाहूँगा कि जो स्टेट बैंक क्या कर रहा है अगर इतनी बड़ी अहमियत है इसकी और हम तरक्की कर रहे हैं कुछ हद तक हमने बहुत तरक्की की हुई और उसके में कुछ आपको इंडिकेटर्स भी दिखाऊंगा लेकिन ये कि क्यों नहीं हो रहा और आगे जाके आखिर में कंक्लूजन से पहले मैं एक और बात करूंगा जो जो हमारी कुछ स्कीमें जो पिछले साथियों ने भी जिक्र किया उसका कि उसकी क्यों अहमियत है और उस पर हम आगे जाके कंक्लूजन uh, में फिर हम ये तय करेंगे कि हम इसको आगे जाके कैसे लेके जाए और मैं सबसे आप सबसे स्पेशली डेल्फ़ा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो ऑफिस होल्डर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा uh, प्रोफेसर साहब से डॉक्टर नसीम अहमद साहब वाइस चांसलर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम इस पे एक लाया अमल अडॉप्ट करें कि आगे जाके जो बहुत सारी पीसमील एफर्ट्स हो रही हैं उस पर हमें कुछ करना चाहिए तो सबसे पहले वजाहत करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर की क्या अहमियत है Uh, पहले ये एग्रीकल्चर का शेयर काफ़ी कम था हमारे जीडीपी में 20 फीसद के अराउंड था अभी रिसेंट जो हमारे अहदाफ आए हैं जीडीपी के आ, कौमी आमदनी के उससे वाजह हो रहा है कि 24 फीसद शेयर है इसमें एग्रीकल्चर का तो जितनी भी हमारी मुल्की पैदावार है उसमें से चौबीस फीसद वो वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर से हो रहा है अब ये कि स्टेट बैंक सिर्फ इसको यहाँ पे नहीं रुक के देख लेता कि इतना बड़ा एरिया है और इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए हम फिर अंदर जाके देखें कि उसमें फार्म है और नॉन फार्म है जो नॉन फार्म है वो आज की एक्टिविटी से ताल्लुक है उसका उसका कितना शेयर है तो तकरीबन अट्ठावन फीसद से साठ फीसद तक का नॉन फार्म का शेयर है लोग समझते हैं कि खेत पे उगने वाली जो चीजें हैं वो शायद ज्यादा वैल्यू एड करती हैं बट लोगों को ये शायद आम आदमी को नहीं पता कि नॉन फार्म जो डेरी एंड लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज का सेक्टर है ये तकरीबन 60 फीसद तक कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में जो चौबीस फीसद का है तकरीबन 14 फीसद बनता है उसका अच्छा आगे जाते हैं कि हम कैसे इसको फिर प्रमोट करते हैं तो स्टेट बैंक जो है ना एक तो हमने बिकॉज वी आर द रेगुलेटर्स जो बैंक काम करते हैं उधर पचास बैंक और इधारे ऐसे हैं जो फॉर्मल क्रेडिट दे रहे हैं एग्रीकल्चर में और ये ऐसे नहीं है कि उन्होंने खुद ये काम स्टार्ट किया है उसमें हमारी कुछ जबरदस्ती भी है उनके ऊपर और जो नदीम साहब ने और समर साहब ने टारगेट्स का जिक्र किया तो हम उनको टारगेट्स देते हैं इस साल का टारगेट अठारह बिलियन है पिछले साल का पंद्रह बिलियन था जिसका हमने एक अच्छा हिस्सा जो है ना तकरीबन चौदाह हमने अचीव किया थी। अब ये कि आगे जाके हम ये टारगेट मज़ीद बढ़ाएंगे बट उससे पहले मैं ये कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करूँगा कि हम क्या करते हैं हम ये करते हैं कि टारगेट दे के हम फिर पीछे नहीं बैठते हम उसकी मॉनिटरिंग रेगुलसली करते हैं हम उसमें जो पॉलिसी है बैंकिंग की उसकी मुताबकत एग्रीकल्चर के साथ बनाते हैं तो हमारी जो रेगुलेशंस है वो बार बार रिव्यू हो रही होती हैं कि क्या फार्मर को एक्सेस टू क्रेडिट या जो कर्जों तक जो है ना रसाई उससे हो रही है कि नहीं उसमें ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है तो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की मुताबकत उसमें लेके आते हैं तीसरी चीज़ जो हम बहुत आ, आ, कर रहे होते हैं आ, उसमें नए प्रोडक्ट्स लेके आना तो मैं देख रहा हूं कि एक तो ये है कि हम फार्मर को देख रहे होते हैं बट जैसे कि वैल्यू चेन आपको पूरी यहाँ बैठी हुई नज़र आ रही है आप हॉल किसी हॉल में भी जाएंगे आपको नजर आ रहा होगा कि जो है ना हैचरी से ले कर जैसे फिश फार्मिंग है टू ऑल द वे टू तो द मार्केटिंग फॉर्म वाले बैठे हुए हैं फीड वाले भी बैठे हुए हैं प्रोड्यूसर फार्मर भी बैठा हुआ है इनके लिए पूरा एक इकोसिस्टम एक अप्रोच ली जाए और नए नए प्रोडक्ट्स लेके आए जाएँ ये नहीं हो कि फार्मर ही आए उसमें कोई वैल्यू चेन एक्टर किसी भी रोल में वो आ रहा हो और वो फैसिलिटेशन अगर फार्मर को दे रहे हैं तो हम ये भी नहीं करते कि हम कह रहे हैं कि बस एक प्रोडक्ट हो और वो सबको केटर कर रहा हो तो प्रोडक्ट्स में जिद्दत जो है ना हमारी एक कोशिश रहती है और चौथी चीज जो स्टेट बैंक की पॉलिसी का हिस्सा है वो है अवेयरनेस तो आज हम जो फुल फोर्स के साथ आए हुए हैं वो अवेयरनेस करना चाह रहे हैं और हम उन मौके की तलाश में हैं कि जहाँ पे कि बैंक और जो फार्मर है या कोई भी वैल्यू चेन एक्टर है एग्रीकल्चर में फार्म और नॉन फार्म में उसको कहीं भी वो अवेयरनेस का मौका मिले तो हम उसको जितना बेहतर कर सकें तो वो कर सके ठीक है तो ये है स्टेट बैंक की अप्रोच एग्रीकल्चर की और तीसरा जो बड़ा अहम एस्पेक्ट मैंने आज जो आप सबके सामने पेश करना था वो पोस्ट फ्लड सिनेरियो है और पोस्ट फ्लड की scenario पे आज जिस तरह आप सब लोगों ने सुन लिया और आप सबसे भी दरख्वास्त करूंगा कि जो चार स्कीमें हैं जिसमें एक इंटरेस्ट या मार्कअप वेवर स्कीम है अगर आप फ्लड अफेक्टेड एरिया में है या आपका कोई जानने वाला फार्मर है उसको आप जो है ना ये इन्फॉर्म करें कि सितंबर तक का मार्कअप वो आधा बैंक पिक करेगी आधा फेडरल गवर्नमेंट जो है ना उसको सब्सिडाइज कर रही है और उसको वो पे करने की जरूरत नहीं है वो बैंक के पास जाके अपना अप्रोच करें रिक्वेस्ट करें कि जी ये मैं फैसिलिटी जो है ना अवेल करना चाह रहा हूँ और गवर्नमेंट ने दी है आप मुझे दे ठीक है ना जो दूसरी बड़ी अहम स्कीम है स्टेट बैंक इस पर बड़ी मतलब ये कि गौर के बाद हमने देखा कि देखें फ्लड में जो फार्मर स्टक है उसको कैसे जल्दी अपने पैरों पे ला खड़ा किया जाए ताकि वो अगला क्रॉप साइकिल जो है ना या जो नॉन फार्म एक्टिविटी है उसको फॉरन से फॉरन जो है ना वो ग्रो कर सके और उस उसपे हमने बैंकों को डायरेक्शन दी हुई है कि आपने लोन देना है जो फ्लड अफेक्टेड एरिया में है पांच लाख तक का लोन जो है ना इंटरेस्ट फ्री देना है छह महीनों के लिए इस पे जिस बैंक से आपका रिलेशनशिप है उसी बैंक को आप अप्रोच करें और जितना जल्दी हो सके जीरो परसेंट पे आप ये अवेल कर लें आज से लेंगे तो अगले छह माह तक आपको सूद नहीं देना पड़ेगा मार्कअप नहीं देना पड़ेगा ठीक है ना तीसरी जो बड़ी फैसिलिटी है वो वो किसान है जिसके पास जमीन अपनी नहीं है या उसके पास जो है ना जो फार्म है वो उसके नाम पे नहीं है जो नॉन फार्म मतलब डेरी फार्मर है Uh, उसके पास कोई गिरवी रखने की कोई इस तरह की कोई फिक्स्ड एसेट नहीं है तो वो ये कर सकता है कि uh, ज़ीरो परसेंट पे अगले छः महीनों के लिए बगैर किसी uh, जो है ना कोलेट्रल के वो लोन ले सकता है और चौथी फैसिलिटी ये फ्लड से अलावा है ये तमाम पाकिस्तान के लिए है और उस पर क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया कि एग्रीकल्चर की अगर हम ग्रोथ देखें uh, ये बड़े सोच से हमने बनाई है Uh, सोच ये है कि पाकिस्तान की आबादी अगर 1970 में या 70 की दिहाई में 6 करोड़ थी और 80 में 8 करोड़ और फिर अब हम 20 करोड़ 22 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं ठीक है ना तो तीन दफ़ा मल्टीप्लाई हो गई भी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमें कोई फूड क्राइसिस अभी तक कोई मेजर नहीं हिट किया अभी रिसेंटली आफकोर्स फ्लड्स आए हैं ग्लोबल सप्लाई चेन क्लॉग हुए हैं कोविड और प्लस आ, जो ग्लोबल जियो पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से हालात हुए हैं यूक्रेन वॉर की वजह से कुछ एक शॉक लगा है कुछ ऐसे लग रहा है कि जो हम मार्जिनली डेफिशिएंट थे उसको प्रोक्योर करने में हमें दिक्कत हो रही है और प्राइसेस ऊपर जा रही हैं दिक्कत नहीं है शॉर्टेज नहीं है बट कीमतें ऊपर हो गई हुई हैं तो ये अल्लाह का शुक्र है ठीक है ना बट पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एक नेचुरल रिसोर्स है वो है एग्रीकल्चर इसको बढ़ाने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए डॉक्टर साहब मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के साथ उसका लिंक बड़ा जरूरी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए लेकिन साथ में एक और एरिया जो है ना कि मैकेनाइजेशन नहीं हो रही हमारी प्रोडक्टिविटी और यील्ड उसकी वजह से जया बड़ा होता है पोस्ट हार्विस फाइनेंसिंग जो वेयर हाउस फैसिलिटीज़ हैं वेस्टेज बड़ा हो जाता है इस तरह के प्रोडक्ट्स पे हमें काम करना पड़ेगा और इसके लिए हमने ये मैकेनाइजेशन वाली फैसिलिटी बनाई है इसमें फार्मर जो है ना वो इंपोर्ट भी कर सकता है और लोकल मशीनरी भी खरीद सकता है तीस लाख तक का तीस मिलियन तक का लोन जो है ना वो ले सकता है तो तीन करोड़ तक का वो लोन ले सकता है इसमें पच्चीस फीसद की गारंटी बैंक को मिलती है और सात फीसद इंटरेस्ट रेट है सात साल ये आपको पे बैक करने में आजकल जो इंटरेस्ट रेट्स हैं कमर्शियल रेट्स हैं तकरीबन 20 फीसद पर आपको ये फैसिलिटी मिलेगी तो बाकी का जो 20 फीसद से से सात फीसद का गैप है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट पिक कर रही है और स्टेट बैंक इसको बैंकों के थ्रू जो है ना इम्प्लीमेंट कर रहा है ये तीसरी फैसिलिटी है इसमें सोलराइजेशन भी फार्म की एक जो है ना एरिया है जिसमें कि आप कर सकते हैं अगर आप बड़े फार्मर हैं आपको फाइनेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है लेकिन आप एक तो ये कि बिजली की कमी है ठीक है ना लोड शेडिंग होती है या फिर कॉस्ट उसको ऑफ प्रोडक्शन जो है ना या आपकी बढ़ जाती है तो आप सोलराइज भी कर सकते हैं आप किसी जो है ना इस तरह की एक्टिविटी में जा सकते हैं और इस फैसिलिटी से आप फ़ायदा ले सकते हैं आखिर में एक पांचवी फैसिलिटी का भी जिक्र करना चाहूँगा जो गवर्नमेंट ने दी हुई है इसमें तीन कैटेगरीज हैं इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम पी एम ए बी वाई एल एस इसमें क्या है तीन टाइप के फैक्टिविटीज हैं इसमें एग्रीकल्चर भी है और एस एम ईज को भी कवरेज मिली हुई है और इसमें अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही स्टेट बैंक ने इसको मुतारफ कराया है और आप किसी भी बैंक में ये अप्रोच कर सकते हैं इसका एक पोर्टल बना हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर यूथ ऑफिस ने बनाया हुआ है और वो मैनेज करते हैं उस पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर कराएं अप्लाई करें पहली कैटेगरी जो है ना वो पांच लाख तक के लोन के हैं ये माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है ना उसमें कुछ पार्टनर कर रहे हैं और ये जीरो परसेंट पे आ, एंड यूजर रेट पे है दूसरी फैसिलिटी पाँच मिलियन तक की है उसमें जिसपे कि पाँच फीसद इंटरेस्ट रेट है इसमें दोनों फैसिलिटियाँ ले सकते हैं प्रोडक्शन के लिए भी ले सकते हैं वर्किंग कैपिटल जिसको कहते हैं आप डे टू डे आपकी रोजमर्रा फार्म की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं और डेवलपमेंट के लिए भी ले सकते हैं जो लॉन्ग टर्म फैसिलिटियाँ हैं मशीनरी लेनी है इक्विपमेंट लेना है जानवर लेने हैं ठीक है ना उसमें आप ले सकते हैं और जो तीसरी कैटेगरी है वो है साढ़े सात लाख साढ़े सात मिलियन की फैसिलिटी पचहत्तर लाख तक की है इस पर सात फीसद एंड यूज़र रेट है और वही प्रोडक्ट्स आप इधर भी अवेल कर सकते हैं इफ़ यू आर एन एसएमई आपका एक फार्म है और आप उस फार्म को वैल्यू uh, एड भी करना चाह रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग भी करना चाह रहे हैं अपने प्रोड्यूस की चाहे मीट का हो डेरी का हो आप इक्विपमेंट खरीद सकते हैं यू कैन बाय चिलर यू कैन बाई यू नो यू कैन सोलराइज दी एक्टिविटीज अगर है आपके पास बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं और सिर्फ सात फीसद पर है और इसमें रिस्क शेयरिंग जो है ना वो भी है इसमें दस फीसद है जो बड़ी कैटेगरी है तो ये सारी फैसिलिटियाँ आप सबकी मामनत के लिए है स्टेट बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और उस पर भी देख सकते हैं और किसी बैंक पे आप जाके ये अप्रोच कर सकते हैं आप बिफोर आई से अल्लाह हाफिज मैं सिर्फ जो है ना चंद गुजारशात पेश करना चाहूंगा आई थिंक फैसल साहब से तो मेरी तफसीला बात हुई तकरीबन हम कुछ दो घंटे डेढ़ घंटे हमने एक अच्छी डिस्कशन भी कर ली और एक व्यू भी लिया बट मैं देखता हूं कि डेल्फा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है अभी भी बहुत बड़ी एक्टिविटी कर रहा है एज अ कार खैर और कोर्स बिजनेस प्रमोशन भी इसमें इन्वॉल्व होगा बट इसको कमर्शलाइज भी किया जा सकता है इसको एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म भी बनाया जा सकता है और उसमें सबका फ़ायदा है उसमें वी एज अ रेगुलेटर और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री वी सी बिग अपॉर्चुनिटी के हमें उन फार्मर तक की रसाई इनसे मैंने पूछा कि कितने फार्मर हैं तो अभी इनके पास अगर चंद हजार हैं, ये कोई लाखों फार्मर्स हमारे यहाँ हैं पाकिस्तान में जिस अगर ये एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म बन जाता है तो इनसे मैंने कुछ स्पेसिफिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स की हैं और इन हम अगले साल जब इस फोरम में आएंगे फैसल साहब मैं चाहूँगा कि हम वो सारी चीज़ें कर चुके हों इनसे मैंने जो पहली गुजारिश की है वो ये है कि हम इसको अब इंटीरियर सिंध में या जहाँ फार्मर है चाहे कराची से बाहर परिफ्री में है मुख्तलिफ लोकेशन है वहां लेके जाए और हम वहाँ बैंकर्स को लेके आए और इन प्रोडक्ट्स का जिन जो मैंने जिक्र किया है वो अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पिच करें आपको और आप अगर अच्छा लगता है आपको आप उसको पिक करें बिजनेस क्रोस के लिए ठीक है ना तो यहाँ पे अगले साल हम देखेंगे कि वो फार्मर भी आएंगे और बैंकर्स भी आएंगे जो इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं ठीक है ना तो एक इंटीग्रेशन ऑफ बैंक्स एंड फार्मर्स वो हम अकम्पलिश करना चाहेंगे और उस पर हम डेल्फा की फैसिलिटेशन करेंगे मल्टीपल इवेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज ऑन दैट दूसरी जो चीज़ है आई सी नॉट ओनली फार्मर हेयर स्टेट बैंक की प्रायोरिटी जो है ना वो एस भी है और हमारी बेशुमार फैसिलिटियाँ जो समाज साहब ने बताई मुतारफ़ कराईं कि एस की डेवलपमेंट के लिए हैं मैं चाहूँगा कि जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं वैल्यू चेन में चाहे वो फिशरीज के हैं चाहे वो डेरी के हैं चाहे वो मीट uh, के हैं लाइफ स्टॉक में या पोल्ट्री के हैं या फिर कोई और जो है ना हाई वैल्यू किस्म की एक्टिविटीज़ हैं इवन अगर आप देख लें आई एफ सीन के पेट्स का भी बिज़नेस है बहुत सारे लोगों ने डिस्प्ले लगाए में अभी मैंने पूरा नहीं देखा मैं अभी जाऊंगा इस इस इवेंट के बाद और देखूंगा कि क्या और एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाए और ख़ास स्पेसिफिक किस्म के प्रोडक्ट्स इस पर बनाए जाएं और अगले साल मैं चाहूंगा कि उस पर उन वैल्यू चेन एक्टर के लिए हम एक सेक्शन जो है ना वो बैंक्स के लिए पूरा एक हॉल बुक करा लें ठीक है ना और हम बैंकों को कहें कि वो आके अपने स्टॉल सेटअप कराएं और वो प्रोडक्ट्स मुतारफ़ कराएं तीसरी जो गुजारिश है वो डॉक्टर साहब आपके हवाले से है और आपकी इजाज़त से अगर मैं ये कहूँ कि जो बड़ा एक अहम चैलेंज है हमारे लिए अब सबके लिए कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है एक तो ये एस्पेक्ट है और एक ऐसा रिस्क है जिसके लिए कितनी भी तैयारी कर लें वो बड़ी कम है उसकी वजह से हमारी फार्म की प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही है और हमारी नॉन फार्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी इफेक्ट हो रही हैं फ्लड्स हैं चाहे रेन्स हैं या उसके टेम्परेचर के जो वेरिएशन है वो इतनी बढ़ गई है उससे ऑफकोर्स जानवर हैं हमारे जो लाइफ स्टॉक हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इस पर हम जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं चाहे उसमें बैंक हो फार्मर हो और यूनिवर्सिटीज़ हो उनके एक शराकत का एक मॉडल बना के उस पर हम कुछ चीज़ें लेके आए तो ये तीन गुजारिश मेरी स्पेसिफिक हैं आप सबकी नज़र के लिए और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और हम ओपन हैं आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं नदीम साहब को भी अप्रोच कर सकते हैं जहाँ आपको मौका मिल रहा है हम ख़ुद भी कोशिश करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया इन दी एंड एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट वंस अगेन डेरी एंड लाइफ स्टॉक एसोसिएशन एंड ऑल्सो दर ऑर्गेनाइजर बदर एक्सपो कि आपने हमें इन्वाइट किया और हमें भरपूर मौका दिया स्टेट बैंक को और uh, मैं तो खुद यही कहूँगा कि मैंने बहुत लर्न किया है आज के इवेंट से और आई एम श्योर एवरीबडी मस्ट भी फीलिंग द सेम एंड आई होप यू है गुड जो है ना uh, जो रेस्ट ऑफ द टू डेज है आज का और कल का दिन है आपका एक बड़ा प्रोडक्टिव डे गुजरे uh, आप सबसे मैं याद चाहूँगा थैंक यू जी Thank you, sir, for your thoughtful words. We are honored to have you here. Also with this, I would like to thank Swad, the exclusive corporate ambassador and main sponsor of the Delphi Cattle Show 2022. I would like to call mr ahmed Faisal, senior vice president delfa to present memento to our honorable chief guest sitara mtas professor dr naseem ahmed vice chancellor university of veterinary animal sciences now i would like to call upon stage president delfa abdul jabbar qadri and present memento to our honorable chief guest mr noor ahmad director agriculture credit and financial inclusion department state bank of pakistan now i would like to request our honorable chief guest mr noor ahmad to please present memento to our worthy speaker mr naseem khanzada And now our honourable chief guest, Mr. Noor Ahmed, is gonna present memento to our worthy speaker, Dr. Tanveer Farhan mahmood head of UBL Amin. And now I would like to request Dr. Nazir Hussain Kalhoro, DG Sindh Institute of Animal Health, Karachi, to please come forward on stage and receive memento from our honorable chief guest, Mr. Noor Ahmad. Please give him a huge round of applause. By this, our session one is concluded, and now I would like to thank all the worthy speakers of this session.